शासित हरियाणा के मेवात जिले में मुस्लिम परिवार पर हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा की गई है। राजधानी दिल्ली से मात्र 80 किलोमीटर दूर डिंगरहेड़ी गांव में बदमाशों ने रात के अंधेरे में जुर्म और ज्यादती खुला तांडव किया। बदमाशों ने पहले इस परिवार के पुरुषों को बंधक बनाया, फिर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप किया। इस परिवार पर जुल्म की इंतहा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट तक काट दिए गए थे। उनके ऊपर पहले वारदात करी है और फिर वो लड़की नाबालिग लड़की में रेप कराए। अच्छा, लूटपाट भी की है? लूटपाट करी, उनको दोनों को पैरों में कड़ा थे, गले में हंसली थी, कानों में कुंडल थे जी। वो भी निकाले हैं और लड़की इनके साथ बार बार से कम 3 घंटा हो रहे हैं यहाँ पे दरिंदगी फैलाते रहे। मेवात के ताउड़ू कस्बे के डिंगरहेड़ी गांव की इसी झोपड़ी में परिवार रहता था। परिवार खेतों में मजदूरी का कार्य करता था। बदमाशों ने इनके घर पर धावा बोल दिया और घर में जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने नाबालिग बच्चियों के साथ साथ उनकी मामी के साथ भी गैंगरेप किया। उनकी इस हैवानियत और दरिंदगी का विरोध करने पर बदमाशों ने पति और पत्नी की हत्या भी कर दी। लूट हुई है, मर्डर हुआ है, गैंग रेप हुआ है, यहाँ तो दरिंदगी फैलाई गई है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, लेकिन लोगों की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठता है कि मीडिया और समाज सेवियों का खून दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की बेटियों की असमत लूटने पर क्यों खोलता? क्यों नहीं कोई प्रदर्शन के लिए सामने आता है? निर्भया के लिए रात रात भर जागकर प्रदर्शन किए गए। मीडिया हर पल की खबरें अपडेट कर रही थी, लेकिन केरल की दलित छात्रा जीशा को बुला दिया गया। मेवात की इन निर्भयाओं के लिए खामोशी है, आखिर क्यों? दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों की बेटियां भारत की बेटियां नहीं है? जब सवर्णों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो सरकार, नेता, मीडिया और समाज सेवी सड़कों पर आते हैं, पर जब यही सब कुछ मुसलमानों और दलितों के साथ होता है तो खामोशी क्यों? इस सवाल का जवाब देश की हर बहुजन बेटी को चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।